सच में घर से बेहतर कोई और जगह नहीं। मुझे नहीं लगा था कि सनशाइन विला से हम लोग जिंदा सलामत वापस निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम नमन, घर आकर जो सुकून मिलता है ना कहीं नहीं मिलता। नमन अब ना हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मिलकर एक साथ। का मैं तुम्हें पता नहीं है कि ये बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ। सच तो सेलिब्रेट करें। हाँ लेकिन कैसे? मैंने विमला दीदी से कहकर हमारे लिए खाना बनवा दिया था, चलो आओ। अच्छा ये देखो। अरे वाह चिकन, नॉट बैड। तुम्हारे लिए। थैंक यू। देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। बहुत अच्छा बनाया दीदी ने। तुम्हें तो पता है मैं नॉनवेज नहीं छूती, तुम खाना खा लोगे ना? नमन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नमन मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। नहीं नमन ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी काम्या हूँ। ये क्या किया मैंने? ये असली काम्या नहीं है, मैं उस बुरी आत्मा को अपने साथ ले आया और असली काम्या मेरी काम्या को उस विला में छोड़ आया। क्या हुआ? नहीं मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। नहीं खाओगे? तुम खाओ। चिकन मैं, खास तुम्हारे लिए बनवाया है मैंने। तुम मैं पाली। ठीक क्या हो गया है? आओ ना। हाँ, पानी ठंडा हो जाएगा। नमन जल्दी आओ। साहब मैं कॉफी बना रही हूँ, आप पियेंगे? वो तुम्हारी मेम साहब नहीं है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो मेरी तरफ भाग चलो। मीम साहब देखिए साहब क्या कह रहे हैं कि मीम साहब नहीं है। ये क्या बोल रहे हो बेबी? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं बिमला, कुछ भी बोलती हो तुम। जानू मैं तो ये कह रहा था कि ये काम्या वो काम्या नहीं रही, हंसने वाली मुस्कुराने वाली पुरानी काम्या हो गई है। अब ये गलत समझ रही है। वो बाहर लगता है फोन भूल गया हूँ मैं। हाँ हाँ तुम खाओ मैं आता हूँ। मीम साहब मीम साहब मीम साहब विमला तुम 8 सालों से घर वापस क्यों नहीं आई? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम 8 सालों से घर क्यों नहीं आई? तुम 8 सालों से घर क्यों नहीं आई? जवाब दो विमला, तुम 8 सालों से घर क्यों नहीं आई? क्यों चिल्ला रही है विमला? मीम साहब ये मेरा पति है। पति? तो क्या हुआ? वो 8 साल पहले मर गया था मीम साहब। क्या विमला तुम 8 साल से घर क्यों नहीं आई? तुम 8 सालों से घर क्यों नहीं आई? मेम साहब मुझे बचा लीजिए। मेम साहब मुझे बचा लीजिए। मेम साहब तुम्हें तुम्हारे साहब के पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी विमला, समझी तुम? यार आकाश इतनी रात गए अर्जेंट क्यों बुलाया? यार आकाश मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं यार। रिलैक्स खुल के बोल क्या हुआ? यार तुम मेरी बात का यकीन भी करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। करूंगा यार मैं तेरा दोस्त हूँ, क्या हुआ बता।
क्या हुआ कामे को? कामे की जान खतरे में है। क्या? वो सनशाइन विला में। सनशाइन विला कहाँ है? ये यार यहाँ से बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी यार। तो तू यहाँ क्या खड़ा है? चल 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 चल। मैं सच कह रहा हूँ आकाश, हम लोग यहीं आए थे। अरे पर भाई, इसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर बरसों से कोई आया ही नहीं है। यार आकाश, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं कि मैं तुझे बता सकूं कि ये वही जगह है। यार आकाश, मेरा यकीन मान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं यहीं आया था। मैं कोई होगा ना यहाँ पे, मैं उनसे पूछ सकूं कि तुझे यकीन आ जाएगा। कोई नहीं है। वो देख, वहां चल के पूछ ले, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल 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 चल। यहाँ पर किसी को पता होगा, कोई है भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? ये सनशाइन विला है ना? ये मैं कुछ नहीं जानता। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, ये सनशाइन विला है ना? मैं कल रात ये इस विला में आया था और अपनी बीवी के साथ आया था। तुम क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं किसी विला के बारे में नहीं जानता। अरे कैसे नहीं जानते आप? आपकी दुकान यहाँ पर है, विला सामने है, आप कैसे नहीं जानते? नहीं जानता मैं, कह दिया ना मैंने। अरे लेकिन आकाश, मैं सच बोल रहा हूँ, ये इसकी शक्ल पे लिखा है, ये झूठ बोल रहा है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो आप? अरे मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानता। देखिए, सवेरे सवेरे धंधा खोटी मत कीजिए। अरे ये झूठ बोल रहा है, यहाँ मेरी बीवी है अंदर, मेरी बीवी है अंदर उसमें। आप जाइए यहाँ से, जाइए। अरे भाई साहब, आप नाराज मत होइए, हम थोड़े टेंशन में। अरे तो आप टेंशन में है तो हम पे उतारोगे? अरे अरे, अरे, अरे कहाँ रहना जानता हूँ। अरे ये जानता है यार, भाई साहब चल, अंदर मेरी बीवी है। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब। अरे आकाश, नमन। अरे नमन। हाँ? तुम्हें याद है हमारी शादी में यही गाना बजाया था, याद है? बैठो नमन, सोचो मत नमन, मेरी बात सुनो, जल्दी से आगे बैठो। बड़ी मुश्किल से सनशाइन विला से बचकर आई हूँ, वो औरत हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। नमन जल्दी करो। नहीं, तुम कामयाब नहीं हो सकती, तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो। नहीं नमन, मेरी नहीं, बात सुनो नमन, वो हमें फंसा रही है। नमन नमन, गाड़ी में बैठो, नमन गाड़ी में बैठो, सोच क्या रहे हो? वो औरत हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, नमन जल्दी करो। नमन ज्यादा मत सोचो, हमारे पास वक्त नहीं है। नमन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कामयाब हूँ। नमन नहीं, नमन ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं नमन ये झूठ बोल रही है, मैं कामयाब हूँ। नमन नहीं, नमन मैं कामयाब हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं कामयाब हूँ। नमन नमन प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नमन नमन नमन। नमन तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा फीवर उतर ही नहीं रहा है।
तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी बीवी नहीं हो। नमन कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी काम्या। नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं ये? कल रात से अजीब सा ही बिहेव कर रहे हैं ये। मुझे पहचाने से इनकार कर रहे हैं। मैं देखता हूँ। काम्या, चलो, चलो एक मिनट बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमन, क्या कर रहा है तू? आकाश, वो मेरी बीवी। अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, क्या कर रहा है तू? मेरी बीवी नहीं है वो। काम्या, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता किया है। सुबह होते ही हम नमन को सबसे पहले उस डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? देखो, परेशान मत हो, हौसला मत छोड़ो और हिम्मत मत हारो। देखना, बहुत ही जल्दी तुम्हारी मैरिड लाइफ बिल्कुल मेरे मैरिड लाइफ की तरह परफेक्ट होगी। सच में? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी मैरिड लाइफ परफेक्ट है? बिल्कुल परफेक्ट है, और क्यों ना हो। आकाश जैसे हस्बैंड जो मिले हैं मुझे, इतना ख्याल रखते हैं मेरा। वी आर परफेक्ट मैरिड कपल। चलो, किसी की शादी तो परफेक्ट है। मुझे दोनों की बहुत चिंता हो रही है आकाश। अभी दोनों रोहन की डेथ से उभरे भी नहीं थे कि और इतना कुछ, कितना कुछ हो रहा है ना उनकी लाइफ में। हमारी सपोर्ट की भी जरूरत है, और खास करके काम्या को। बट थैंक गॉड कि मेरी लाइफ में तुम आए, और हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है ना। तुम्हारा फोन कहाँ है? ये रहा, क्यों? फिर मुझे कौन फोन कर रहा है? मेरे नंबर से? एक मिनट। हेलो, हेलो आकाश, मैं ऋचा बोल रही हूँ। तुम कार से उतरो और भागो, अपनी जान बचाओ। जो औरत तुम्हारे साथ कार में है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। What nonsense? मेरी वाइफ इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, मेरी बात सुनो। अगर तुम इस वक्त वहाँ से बच के नहीं निकले तो वो तुम्हें मार डालेगी। Shut up. कौन थी आकाश, क्या बोल रही थी? मजाक कर रहा था, भद्दा मजाक। नमन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, शायद ये सब उसकी वजह से है। कल मैं उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा, शायद उसकी कुछ मदद हो सके। पर तुम कल काम्या से मिलकर उसकी ओपिनियन जरूर ले लेना। हाँ, मैं बात करूंगी उससे। ऐसा क्या है तुम्हारी बीवी में जो वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? काम्या, तुम? काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? सच कहूं, तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती मैं। मैंने देखा है तुम्हें मुझे देखते हुए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा महसूस करते हो। पागल हो गई हो तुम? तुम अपने होश में नहीं हो। तुम मेरी दोस्त हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ भी। ना ही तुम्हें इस वक्त यहां होना चाहिए था मेरे बेड पर, और ना ही इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था। तुम प्लीज अभी घर जाओ, अभी घर जाओ प्लीज। काम्या, तुम रात में मेरे बेडरूम में कैसे आ सकती हो? रिचा देखेगी तो क्या कहेगी? काम्या, अभी निकलो बाहर। ये सब क्या है आकाश? और अभी अभी क्या कह रहे थे तुम कि काम्या तुम्हारे साथ बेड में? What the hell आकाश, ये चाहिए था तुम्हें? छी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। कितना प्यार किया था मैंने तुम्हें। रिचा, I guess ये सिर्फ एक सप्ताह था, that's it. अच्छा, तो तुम्हारे सपने में अब काम्या आती है? ठीक
काम्या के साथ रहो, शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। सुनो रिचा, मेरी बात सुनो रिचा। रिचा, रिचा तू मुझे गलत समझ रही हो। रिचा रिचा मेरा भरोसा करो, मैं उसके बारे में सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो तुम हो। रिचा रिचा मेरी बात सुनो रिचा। मत छुओ आकाश उसे। ये तुम्हारी रिचा नहीं है, मैं रिचा हूँ। इसने मुझे मार दिया। रिचा रिचा ओह नो, रिचा रिचा आंखें खोलो। आकाश आकाश, ये रिचा नहीं है। तुमने मेरी रिचा को मारा। नहीं, मैं तुम्हारी रिचा हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने मेरी रिचा को मारा है। आकाश मैं तुम्हारी रिचा हूँ। झूठ बोल रही हो। आकाश तुमने अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी प्यारी पत्नी रिचा को मार दिया। पर तुम तो बहुत प्यार करते थे उससे। वो परफेक्ट मैरिज कपल, और अब जब तुमने अपनी पत्नी रिचा को मार ही दिया है तो तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हारी पत्नी की मौत का बदला लूंगी मैं। कौन हो तुम, मुझे मारना क्यों चाहती हो? I hate perfect married couple. हम नहीं जानते हैं, हमने कहा था ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए मैं जानता हूँ आप कुछ ना कुछ जानते हैं। अब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। प्लीज देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बीवी वहाँ पर फंसी पड़ी हुई है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उन्हें बचाने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्या, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। आप यहाँ से चले जाइए। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ जानते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज वो मर जाएगी अंदर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ। 25 साल पहले मैं ही उस सनशाइन विला की देखभाल करता था। उसी वक्त माया सचिन से शादी करके पहली बार वहां आई थी, और उसके बाद। बोलो सचिन बोलो, तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? मेरे माँ बाप सबको धोखा दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जवाब दो सचिन, सचिन बोलो, मुझे जवाब दो, बोलो। हौरी माया हौरी, लेकिन अब सच तुम्हारे सामने है, और जो है वो है। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब क्या करूं? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता था। लेकिन मेरे घर वाले, उनको तो वो पसंद ही नहीं थी।
दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो क्या है ना माया, तो शादी तो जबरदस्ती हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। सचिन, मुझमें क्या कमी है बोलो, क्या मैं उसकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ बोलो। देखो तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं सब मानूंगी, मैं दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। प्लीज प्लीज सचिन, मुझे एक मौका दे दो प्लीज। बस माया, तुम अपने आप को उसके साथ तुलना भी मत करो, क्योंकि ना तो तुम किसी भी हाल में उससे बेहतर हो और ना ही कभी हो सकती हो, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। अब चाहे जो हो, तुमने मुझसे शादी की है और तुम्हें मेरा पति बन के रहना पड़ेगा। उस दूसरी औरत को तुम भूल जाओ, समझे तुम? मायक, माया मैं कह रहा हूँ चाकू नीचे रखो मायक। चाकू लग जाएगा, चाकू नीचे रखो मायक। तुम अपने अपने पति पर चाकू चलाओगे? पास मत आना, तुम मार दूंगी मैं तुम्हें। काका? जी साहब। वो मेरे लिए डिनर लगा देना, और हाँ सिर्फ मेरे लिए खाना लगाना, माया तो मायके चली गई। हाँ? अच्छा खाना मेरे रूम में भेज देना। जी साहब। कुछ दिनों बाद सचिन साहब की हत्या हो गई उसी बेडरूम में बड़े चाकू के साथ, और ये सनशाइन विला खंडहर बन गया। साहब यहाँ युगल जोड़े आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते। इसका मतलब ये जो कुछ भी कर रही है माया कर रही है। हाँ हाँ साहब, कई किस्से हैं। माया पति पत्नी के साथ खेल खेलती है, वो अपने साथ हुए धोखे का बदला सारी दुनिया से ले रही है। साहब आप तकदीर वाले हैं, जो अंदर से बच के आ गए वहां जो जाता है वो बच के नहीं आता है। आप जाओगे तो बच के नहीं आ पाओगे, आपकी पत्नी अंदर है, लेकिन साहब अगर आप अंदर गए तो जिंदा बच के वापस नहीं आ सकते। साहब आप यहां से चले जाओ। साहब नहीं, मैं अपनी बीवी के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, मैं उसे यहां से निकाल के रहूंगा। Come here!
काम्या, 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 काम्या अपनी आंखें खोलो, प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती होगी तुम्हें यहाँ लाके, काम्या, काम्या। नमन, नमन मुझे पता था, तुम आओगे। हाँ काम्या। हम उस बुरी शक्ति के शिकंजे में फंस चुके हैं, हर जगह ढूंढ चुकी हूँ, सब देख लिया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं काम्या, रास्ता है, रास्ता है। यहाँ पर बेसमेंट में एक सीक्रेट रास्ता है, वो मुझे लेके गई थी यहाँ से। नमन, नमन तुम इसके साथ कैसे जा, तुम्हारी मीरी मैं हूँ नमन, नमन इसके साथ मर जाओ नमन, नमन मैं हूँ काम्या, नमन मेरी तरफ देखो, उसके साथ मत जाओ काम्या। तुम यकीन मानो, हाँ हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, तुम बस मेरी बात याद रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, ठीक है? चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, आराम से उठो उठो, चलो 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 चलो, संभल के, आराम से आराम आराम से, मेरा हाथ मत छोड़ना, चलो यहाँ यहाँ इस तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ 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 आ जाओ आ जाओ, आओ आओ यहाँ। मेरा हाथ मत छोड़ना काम्या, काम्या, कहाँ जाए नमन, कहाँ जाए? काम्या, काम्या बेसमेंट का डोर यही कहीं पे है। नमन याद करो कहाँ है? I think ऊपर की तरफ है। चलो, चलो। नमन। काम्या। अच्छा, अच्छा। Come here. 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 Come
उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। नमन, नमन कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जानता हूँ दीवार यहीं कहीं पे है। तुम डरो मत। हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? हम लोग हाथों से महसूस कर सकते हैं, हाथों से। यहीं कहीं पे। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। यहाँ से कोई नहीं बच के जा सकता। तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।